बहुत ही अच्छी बात है जो गान वापी के संबंध में कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि उनको मुस्लिम पक्ष के जो दलील थी उसको खारिज करके और हिंदू पक्ष के दलील को स्वीकार किया है। इससे आशा है कि अगले तारीख तक इसका फाइनल रिपोर्ट हो जाएगा, फाइनल आदेश हो जाएगा और जिसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस प्रकार से चल रहा वैसे ज्ञान वापी का है। पहले ही शुरू में विश्व हिंदू परिषद ने जो आंदोलन किया था कि हमको 3 मंदिर चाहिए, काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या का फाइनल हुआ, राम मंदिर भव्य बन रहा है और यह दोनों फाइनल के मतलब आदेश के करार पर हैं और सारे सबूत वहाँ उपस्थित हैं। निश्चित है कि यह ज्ञान वापी का भी आदेश हिंदू के पक्ष में हो जाएगा। तो मंदिर जो भगवान शंकर का है वह बनने लगेगा। इसलिए ज्ञान वापी के संबंध में जो भी कोर्ट ने कहा है वह स्वागत योग्य है। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सारी सबूतों को समझ करके कि यह मंदिर है और मंदिर के पक्ष में ही होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम पक्ष का जो दलील था उसको खारिज किया और हिंदू पक्ष को स्वीकार किया। आगे तारीख पड़ी है, उस तारीख में पूर्णतया बहस होगा। बहस के बाद सबूतों के आधार पर कोर्ट निश्चित है निर्णय करेगी। शांति की नहीं क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति कैसा? संवैधानिक क्रांति। जिस प्रकार से मोदी जी ने इंडिया गेट से शुरुआत किया, मोदी जी ने कहा कि जो विदेशी आक्रांताओं की जो निशानी है उसको हटाना चाहिए। आप देखिए कि आज सोमवार है, भगवान भोले का दिन है और आज की शुरुआत देखिए कि जो वर्शिप एक्ट का मामला देकर और मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का, लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा, संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। और यही नहीं, मथुरा और काशी के साथ साथ 20,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर हम विजय हासिल करेंगे। ज्ञान वापी मामले पर कोर्ट के द्वारा आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पूरा देश, पूरा समाज आज इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता है कि जिस प्रकार से मुगलों के द्वारा इस देश में षड्यंत्र करके हमारी जन आस्था और हिंदू के केंद्रों को खंडित विखंडित किया गया था, मुझे लगता है कि उसके पुनरुत्थान का समय आ गया है। और इसी पक्ष में आज कोर्ट ने जिस प्रकार से इस मामले को सुनवाई के लिए जायज माना है और मुस्लिम पक्ष के मामले को निरस्त किया है, ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि मुगलों के द्वारा स्थापित की गई परंपराओं का समापन होना चाहिए और राष्ट्रीय परंपरा की स्थापना होनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ गौरी के साथ वहां विराजमान होंगे, ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए।